और परम पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज, जो दीक्षा दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो उनका जो 19 वर्ष संयम काल उनका व्यतीत हुआ, अच्छी तरह से हुआ। आगे भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो 20वां वर्ष संयम काल में जो प्रवेश हो रहा है, उस संयम की साधना करते हुए और जैन धर्म की प्रभावना करें। बहुत अच्छा है, आचार्य पुष्पगन सागर जी महाराज जी ने ऐसे शिष्यों को जिन्होंने दीक्षा दी है, जो आज पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया, उन शिष्यों में हम प्रणाम सागर जी महाराज जी का जो दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अति उत्तम है। मनुष्य जीवन का एक ही सार है कि ऐसे उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम वंश में जन्म ले करके जो दिगंबर दीक्षा देता है, उन्हीं मनुष्य जीवन का सार्थक होता है। और उनके जन्म के भी 48 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और दीक्षा काल भी 19 वर्ष पूर्ण होकर के 20वें प्रवेश कर रहे हैं। यही जैन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो एक रत्न है जो हमारे हाथ में आ चुका है, इस रत्न का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और उन्होंने हमारा उस महाराज जी के प्रति हमारी बहुत भावना है कि आपके संयम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और जैन शासन की खूब प्रमाणना करें। यही मेरा मंगल भावना है। बोले आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय।